हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा. आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी फंडामेंटल्स में एसी सर्किट्स के तहत अब पढ़ने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर कैपेसिटर. इससे पहले मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर रेजिस्टर और ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू प्योर इंडक्टर बताया है, और इसके थ्रू हम इनके बिहेवियर को, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और यही सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, पावर सिस्टम में. सब जगह इस बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए हम सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा ये हम समझ पाते हैं. तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ. कैपेसिटर एक सर्किट में लगा हुआ है और ये प्योर कैपेसिटर है, मतलब जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उस मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है और ज़ीरो है, और उसके अक्रॉस मैंने एक एसी सप्लाई वोल्टेज दिया है, वोल्टेज सोर्स लगा दिया जिसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है. और इस सर्किट को जैसे ही हम ऑन करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, वैसे ही इसमें से करंट बहना शुरू हो जाएगा, आई करंट. तो वही सारा समझना है कि आई का एक्सप्रेशन कैसा होगा, फेजर डायग्राम कैसा होगा वोल्टेज और करंट का, और साथ में पावर कैसी फ्लो होगी, ये सारी चीज़ें हम एक के बाद एक समझेंगे. अब कैपेसिटर के लिए करंट का एक्सप्रेशन हमें मालूम है, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं. सी को सी ही रखा, डी बाई डी टी डेरीवेटिव हम किसका लेंगे, वी का, मतलब वी एम साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वी एम को मैं इन डिफ्रेंसिएशन से बाहर ले लेती हूँ, तो सी वी एम हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, मतलब कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा तो वहाँ ओमेगा आ जाएगा. ये सारा मैथ्स की वजह से आप लोग जानते हैं. तो अभी इस ओमेगा को मैंने सी के साथ आगे लिख लिया है, ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू लिख सकती हूँ. अब ये जो पूरा कोएफिशिएंट है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू का, इस कोएफिशिएंट को मैं रीराइट कर रही हूँ, वी एम अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी लिख रही हूँ, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है. अब ये किसका एक्सप्रेशन है, करंट का, और ये साइन टर्म कैसी होगी, यूनिटलेस. तो अगर इक्वल टू के इस तरफ एम्पियर्स है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, एम्पियर्स होना पड़ेगा. मतलब आई इज इक्वल टू, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ आई एम से, और इसे मैं चाहे कॉस ओमेगा टी लिखूँ या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, दोनों एक्सप्रेशन लिख रही हूँ क्योंकि ये आगे मुझे यूज़ करना है. तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू मैं आई एम साइन ओमेगा टी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू ऐसा पूरा एक्सप्रेशन लिख ले रही हूँ. इसका मतलब आई एम मेरे लिए क्या है, वी एम अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी है, और यहाँ से मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि एम्पियर्स इज इक्वल टू वोल्ट्स अपॉन ओम सी होगा, मतलब वन अपॉन ओमेगा सी ओम सी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जो कि एक्स सी होता है. और ये क्या है, फिजिकली दिस इज एन ऑब्स्टेकल, ये रुकावट है करंट के रास्ते में. और कौन ऑफर कर रहा है करंट के रास्ते में ये रुकावट, ये रुकावट कैपेसिटर ऑफर कर रहा है करंट के रास्ते में, कितनी, वन अपॉन ओमेगा सी, जो कि यूनिट क्या है उसकी, ओम से. ऐसे ही रुकावट हमें इंडक्टर के केस में समझ में आई थी कि इंडक्टर कितनी रुकावट ऑफर करता है, ओमेगा एल. ठीक, अब मेरा फर्स्ट बिहेवियर मुझे यहां पर कैपेसिटर का समझ में आ गया कि ये कितनी रुकावट ऑफर करता है करंट के रास्ते में, वन अपॉन ओमेगा सी ओम्स, इतनी क्वांटिटी की रुकावट ऑफर करता है. तो ये फर्स्ट बिहेवियर है कैपेसिटर का टूवर्ड्स एसी सप्लाई. अब अगर मैं यहाँ पर ये वाला वेवफॉर्म वोल्टेज का और करंट का वेवफॉर्म ये वाला, या तो साइन ओमेगा टी साइनोसाइडल पैटर्न होगा किसका, वोल्टेज का, और कॉस ओमेगा टी करंट का, तो पैटर्न ये वाला हो जाएगा करंट का. क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि वोल्टेज के जो इवेंट्स है उससे ठीक 90 डिग्री पहले करंट के इवेंट्स हो जाएंगे. इसको मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि वोल्टेज वेवफॉर्म में पाई बाय टू पर मैक्सिमा अकर हो रहा है, मैक्सिमा का इवेंट हो रहा है, पॉजिटिव मैक्सिमा का पाई बाय टू पर, ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय टू पर करंट के मैक्सिमा का इवेंट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पर हो चुका है, मतलब पहले ही 90 डिग्री पहले ही हो चुका है. आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पाई पर वोल्टेज वेवफॉर्म जीरो क्रॉसिंग कर रहा है और टूवर्ड्स निगेटिव पीक जा रहा है, तो ठीक 90 डिग्री पहले, मतलब ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय टू पर करंट का जीरो क्रॉसिंग हो चुका है और करंट
किस तरफ जा रहा है, निगेटिव मैक्सिमा की तरफ जा रहा है, मतलब करंट यहाँ पर लीड कर रहा है वोल्टेज को कितने से, 90 डिग्री से। इसी को मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि वोल्टेज का फेज कितना है, 0 डिग्री है। वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है। तो करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाय टू, मतलब माइनस पाई बाय टू कहना चाहिए, पाई बाय टू पहले ही करंट स्टार्ट हो जा रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव जाने के लिए, और इसकी जीरो क्रॉसिंग हो चुकी है। तो इसका फेज क्या है, इसका फेज है माइनस पाई बाय टू, और वहाँ पर फेज है वोल्टेज का 0 डिग्री। अब आप कहेंगे यहाँ तो प्लस लिखा है, माइनस क्यों बोल रहे? तो बेटा इसको मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि ये जो एंगल है, साइन के साथ जो भी एंगल दिया रहता है उस एंगल को इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब ओमेगा टी इक्वल टू जीरो इसका फेज है। या ये कहना चाहिए कि अगर इसकी बात करूं तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू डिवाइडेड बाय इक्वल टू जीरो करूंगी तो ओमेगा टी इक्वल टू माइनस पाई बाय टू करंट वेवफॉर्म का फेज है। ये वोल्टेज वेवफॉर्म का फेज है और ये करंट वेवफॉर्म का फेज है। यहाँ से वोल्टेज वेवफॉर्म का फेज जो है वो जीरो है और करंट वेवफॉर्म का फेज जो है वो माइनस पाई बाय टू है, इधर पॉजिटिव एंगल से इधर निगेटिव एंगल से। पर करंट की लीडिंगनेस हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वोल्टेज में जो जो इवेंट्स हो रहे हैं ठीक 90 डिग्री पहले करंट में वो इवेंट्स हो चुके होंगे, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रहा है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का है। वोल्टेज का फेज क्या है, 0 डिग्री। करंट का फेज क्या है, माइनस पाई बाय टू फेज है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का है। कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को। ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर आप मेरे इंडक्टर के वीडियो को देखेंगे तो उसमें पाएंगे वोल्टेज का फेज 0 है, करंट का फेज कितना है, प्लस पाई बाय टू है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय टू का है। और कौन लीड करता है इंडक्टर, प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है करंट को, इस तरीके से। एक और उस वीडियो में मुझसे मिस्टेक हुई है कि वहां पर मैंने VmIm अपॉन 2 ऐसे नहीं लिखा है, 2 वो लिखना था मुझे, वो रह गया था, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। एनीवे, अब अगर मैं वोल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म को प्लॉट करके ये चीज़ समझ सकती हूँ, तो सेम चीज़ को मैं रिफ्लेक्ट कर सकती हूँ फेजर डायग्राम पर भी। वो ऐसे कि अगर VRMS वोल्टेज फेजर मेरा रेफरेंस पर है तो करंट फेजर उससे मुझे ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से दिखे रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट फेजर 90 डिग्री से लीड कर रहा है वोल्टेज फेजर को कैपेसिटर की केस में। तो हम ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे IRMS को विथ रिस्पेक्ट टू VRMS। मतलब एक बिहेवियर मुझे कैपेसिटर का और समझ में आया कि कैपेसिटर से बहने वाला करंट कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। पहला बिहेवियर मुझे क्या समझ में आया था कि कैपेसिटर ऑफर करता है 1/ωC क्वांटिटी की रुकावट करंट के रास्ते में, और 1/ωC ओम्स इसकी वैल्यू है विथ यूनिट। दूसरा मुझे क्या समझ में आ रहा है कि करंट लीड करता है कैपेसिटर से बहने वाला करंट कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, वो फेजर डायग्राम से वेवफॉर्म से सबसे हम समझ सकते। अब अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर हमेशा वोल्टेज इनटू करंट, ऐसा डीसी में भी करते आए, तो यहां पर भी हम वही फॉलो कर रहे हैं। एसी थ्रू प्योर रेजिस्टर में भी यही किया, एसी थ्रू प्योर इंडक्टर में भी यही किया, तो यहां पर भी मैं वही कर रही हूं। तो वी को मैं VM साइन ओमेगा टी लिख रही हूं, और करंट को मैं IM cos ओमेगा टी लिख रही हूँ। जब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते तो VmIm आया, साइन ओमेगा टी और cos ओमेगा टी की वजह से ट्वाइस साइन ओमेगा टी, ट्वाइस मतलब साइन 2 ओमेगा टी ऐसा आ सकता है, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, मैथमेटिकली ये हो रहा है। तो एवरेज जो हमें मिलेगा ये साइन टर्म है, और ये साइन टर्म होने के साथ साथ इसकी फ्रिक्वेंसी ट्वाइस है, मतलब ये पावर का जो एक्सप्रेशन है उसमें पावर के ऑल्टरेशन की जो फ्रिक्वेंसी वो डबल है,
वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी अगर f है तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2f है, मतलब वोल्टेज अगर एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो पावर एक सेकंड में 100 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ऐसे ही करंट अगर 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में तो ऐसे ही पावर जो है वो 100 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पर मुझे दिख रही है कि पावर की फ्रिक्वेंसी वोल्टेज या करंट की फ्रिक्वेंसी से जस्ट डबल होगी, और ये साइन टर्म होने की वजह से मुझे पावर ओवर अ साइकिल कितना एवरेज मिलेगा पावर का, जीरो, क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ साइन वेवफॉर्म या कोसाइन वेवफॉर्म का ओवर अ साइकिल कंप्लीट साइकिल एवरेज कितना निकलता है, जीरो। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं जो फॉर्मूले मैंने बताया उसके बेसिस पे, पूरे साइकिल पर जीरो टू पाई में ही आप देखेंगे टोटल सम कितना आ जाएगा इसका, जीरो, क्योंकि ये जीरो है, ये पाई है और ये 2π है, क्योंकि ट्वाइस फ्रिक्वेंसी से पावर जो है वो पल्सेट हो रहा है। ठीक है, ये तो हुआ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने का तरीका। अगर यही सेम चीज़ें मैं आपको वेवफॉर्म से समझाना चाहूँ तो मैं वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करती जाऊँगी 0 to π/2 में, π/2 to π में, π to 3π/2 में और 3π/2 to 2π में। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मुझे करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव मिल रहा है, तो करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो P भी पॉजिटिव आएगा, तो मुझे पॉजिटिव पल्स मिलेगा पावर का। फिर इस सेगमेंट में, इस स्लॉट में, पाई बाय टू टू पाई में मुझे करंट निगेटिव मिल रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आंसर निगेटिव आएगा, तो ये मुझे निगेटिव पल्स मिल रहा है। फिर मुझे π/2 में दोनों निगेटिव मिल रहे हैं, तो माइनस वी इंटू माइनस आई प्लस पी हो जाएगा, तो पल्स हमेशा मुझे यहाँ पर कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। फिर इस सेगमेंट में करंट पॉजिटिव है तो वोल्टेज निगेटिव है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, निगेटिव पावर का पल्स मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है, जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में पावर फ्लो हो रही है उतनी ही नेगेटिव डायरेक्शन में भी पावर फ्लो हो रही है, पावर यहाँ पे अल्टरिंग है। व्हाट डज दिस मीन अल्टरिंग पावर, मतलब इस हाफ साइकिल में सोर्स से लोड की तरफ करंट पावर बह रही है, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में, नेक्स्ट इस पावर के नेक्स्ट हाफ साइकिल में, करंट या वोल्टेज के हाफ साइकिल की बात नहीं कर रही, पावर के नेक्स्ट हाफ साइकिल में आपको वापस से वो पावर लौट कर सोर्स के पास आ जाएगी, मतलब सिर्फ लोड को टच करेगी, यहाँ पे सोर्स टू लोड बहेगी, लोड को टच करेगी और वापस लौट कर पूरी पावर आ जाएगी। फिर से मैं कहूँगी ये पावर मेरे लिए किसी काम की नहीं है, लोड के किसी काम की नहीं है, ये यूजलेस पावर है। इसे क्या कहा जाता है, रिएक्टिव पावर कहा जाता है, और इसकी यूनिट यहाँ पर भी वार्स ही होगी, पर ये कैपेसिटिव वार्स कहलाएगा, और इंडक्टर की केस में जो रिएक्टिव पावर थी वो इंडक्टिव वार्स कहलाता है। इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है पावर सिस्टम में, आगे जाके हम डिटेल पूरा पढ़ेंगे, पर यहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि दो टाइप की पावर होती है, एक रेजिस्टेंस की केस में एक्टिव पावर होती है जो एक्चुअली यूटिलाइज करता है लोड, और इंडक्टर और कैपेसिटर की केस में दूसरे टाइप की पावर मुझे देखने को मिल रही वो है रिएक्टिव पावर, जिसको फिलहाल मैं यूजलेस पावर कह रही हूँ, क्योंकि वो सोर्स से लोड की तरफ जाती है और वापस लौट कर आ जाती है, टू एंड फ्रो उसका फ्लो होता है, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। पर आगे जाके आपको मैं समझाऊंगी कि बिना रिएक्टिव पावर के एग्जिस्टेंस के एक्टिव पावर फ्लो ही नहीं हो सकती ट्रांसमिशन सिस्टम में, पावर सिस्टम में एक्टिव पावर फ्लो ही नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है रिएक्टिव पावर। हम समझेंगे आगे बहुत सारी चीज़ें, अभी मुझे प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव को लेकर आपको एक कंपैरेटिव चार्ट में आपको बताऊंगी, और आगे एक एक कॉन्सेप्ट्स को मैं अनफोल्ड करती चली जाऊंगी इससे रिलेटेड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पर बेस्ड हम मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, पावर सिस्टम सब कुछ समझ पाते हैं। तो ये सारा, अब मुझे थर्ड बिहेवियर क्या समझ में आ रहा है कैपेसिटर का, कि यहाँ पर भी कौन सी पावर फ्लो होती है, रिएक्टिव पावर फ्लो होती है, जिसको कैपेसिटिव वार्स कहते हैं या कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर कहते हैं, जो टू एंड फ्रो फ्लो होती है, जिसे मैं फिलहाल यूजलेस पावर कह रही हूँ। तो तीन मेन बिहेवियर समझ में आए, कैपेसिटर कितना रुकावट देता है करंट के रास्ते में, 1/ω C ओम्स,
कैपेसिटर में से बहने वाला करंट कैपेसिटर के वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, और तीसरा कैपेसिटर में कौन सी पावर बहती है, रिएक्टिव पावर बहती है। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सप्लेनेशन प्योर कैपेसिटर में से को एसी सप्लाई देने पर क्या समझ में आता है, क्या ऐसा बिहेवियर कैपेसिटर देता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का कंटेंट समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और आने वाली एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। बेस्ट लक एंड थैंक यू।